अहमदनगर मधील नगर मनमाड रोडवरच्या सावडी परिसरात पतंजली मेगा स्टोअरचं उद्घाटन योगगुरु बाबा रामदेवजी यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आलं. यावेळी अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाहक छाया फिरोदिया, कल्याणी फिरोदिया यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. नगर मनमाड रोडवरील सावेडी परिसरामध्ये पतंजली मेगा स्टोअरचं उद्घाटन योगगुरु बाबा रामदेवजी यांच्या शुभ हस्ते फीत कापून रविवारी 25 फेब्रुवारी 2018 रोजी करण्यात आलंय. यावेळी अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्यवाहक छायाताई फिरोदिया, उद्योजक गौरव फिरोदिया, कल्याणी फिरोदिया, आशाताई फिरोदिया आदी मान्यवर उपस्थित होते. या मेगा स्टोअरमध्ये दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणाऱ्या सर्व वस्तू ज्या शुद्ध आणि नैसर्गिक पद्धतीनं तयार केलेल्या आहेत त्या उपलब्ध करून देण्यात आल्यात. यावेळी बाबा रामदेव यांनी देशात पतंजलीच्या वतीनं 500 ग्राहकांसाठी 500 मेग स्टोअर उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचं प्रतिपादन केलंय. पूरे देश में 500 मेगा स्टोर खोलने का हमारा प्लान था और ये पतंजलि मेगा स्टोर का अब तक का देश का सबसे श्रेष्ठ, अब तक जितने पतंजलि मेगा स्टोर्स पूरे देश में खुले हैं उसमें से सर्वोत्तम मैं कहूँगा. हमारी पूजा माता छायाताई सिरोदिया और गौरव, इन्होंने ये देश का सबसे उत्तम पतंजलि मेगा स्टोर खोला है जो करीब 4,500 स्क्वेयर फीट में बनाया है. और जैसा हम एक कल्पना करते हैं पतंजलि मेगा स्टोर की, उसको एक बहुत सुंदर स्वरूप इन्होंने यहाँ प्रदान किया. रूरल में पतंजलि मेगा स्टोर तो कहीं कहीं तहसील में भी हमने खोले हैं. इसके अलावा पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र हर एक तहसील में खोले, इसके लिए हमारा काम चल रहा है. करीब 5,000 सेंटर हमने खोले हैं. आर्थिक पारदर्शिता के बिना देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए बैंकों में, क्योंकि आम आदमी का पैसा होता है, उसके पैसे की सुरक्षा एक बहुत बड़ा राजनीतिक उत्तरदायित्व है. और मुझे लगता है इसके लिए यदि कोई संसद में नया कानून भी बनाना पड़ा तो मोदी साहब जेटली जी बनाएंगे. और देश के धन को बैंकों के द्वारा कुछ लूटने की कोशिश कर रही है, उस पर अंकुश लगेगा. देखो, लोग बेईमानी करने वाले तो लोग ही अलग होते हैं. देश में करोड़ों लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए तो देश चल रहा है. फ्रॉड करने वाले भी 2-4 होते हैं, उनसे बचाने के लिए कुछ खास प्रोटेक्शन लेने पड़ेंगे. प्रतिनिधि शशि लाटे, ब्यूरो रिपोर्ट, अहमदनगर.